यूपी के देवरिया में हुए दिल दहला देने वाले हत्याकांड में सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ा एक्शन लिया है। पूरे मामले में लापरवाही बरतने वाले एसडीएम, सीओ, दो तहसीलदार, कोतवाल समेत 15 कर्मियों पर कार्रवाई हुई है। कुछ कर्मियों को सस्पेंड किया गया है तो कुछ का ट्रांसफर हुआ है, वहीं कुछ लोगों को विभागीय कार्रवाई का दंड मिला है। पूरी घटना की समीक्षा के बाद सीएम योगी ने ये कार्रवाई की है। सस्पेंड किए गए लोगों में सीओ, 3 लेखपाल, थाना प्रभारी, 1 हेड कांस्टेबल, 4 कांस्टेबल और 2 हल्का प्रभारी शामिल है। सीएम योगी ने देवरिया में हुई घटना की गहन समीक्षा के बाद कहा कि दोषी कोई भी होगा बचेगा नहीं। तहसीलदारों और क्षेत्राधिकारी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी होगी। सीएम ने दिए कार्रवाई के निर्देश। शासन की रिपोर्ट में फतेहपुर गांव में हुए हत्याकांड में कर्मचारियों और अधिकारियों की लापरवाही सामने आई है। सत्य प्रकाश दुबे ने ग्राम समाज की जमीन पर अवैध कब्जे के संबंध में कई शिकायतें की थी। ये शिकायतें पुलिस विभाग और राजस्व विभाग को भेजी गई थी, लेकिन दोनों विभागों के अधिकारियों ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। अब मामले की समीक्षा करते हुए सीएम ने लापरवाह कर्मचारियों और अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। इन कर्मियों पर गिरी गाज। उप जिलाधिकारी योगेश कुमार गौड़ और क्षेत्राधिकारी रुद्रपुर जिलाजीत के अलावा हेड कांस्टेबल राजेश प्रताप सिंह, कांस्टेबल अवनीश चौहान, हल्का प्रभारी उप निरीक्षक जयप्रकाश दुबे और प्रभारी निरीक्षक नवीन कुमार सिंह को निलंबित किया गया है। साथ ही IGRS पर मिली शिकायतों के निस्तारण में लापरवाही के लिए कांस्टेबल कैलाश पटेल, कांस्टेबल राम प्रताप कनौजिया, सुभाष यादव और उप निरीक्षक सुनील कुमार, पूर्व प्रभारी निरीक्षक रुद्रपुर को निलंबित किया गया है। इसके अलावा पूर्व उप जिलाधिकारी राम विलास, ओम प्रकाश, ध्रुव शुक्ला और संजीव कुमार उपाध्याय के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी। सेवानिवृत्त तहसीलदार वंशराज राम और सेवानिवृत्त राजस्व निरीक्षक रामानंद पाल के खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू हो गई है। इसके अलावा निलंबित वर्तमान तहसीलदार अभय राज को अतिरिक्त आरोप पत्र जारी किया गया है।